जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 मोदी जी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मोदी जी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मोदी जी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भारत माता की जय भारत माता की जय। सम्मानित मित्रों, हम सबके बीच में दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने। मित्रों, हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हर कदम हमारे लिए एक नया इतिहास बनता है। यही प्रयाग की वह पावन धरती है, उस समाज को, उनके जो समाज से हमेशा तिरस्कृत रहते थे, उनके पांव पखा करके समाज में उनको प्रतिष्ठित करने का काम किया और सब का सम्मान करने का काम करके दुनिया में एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। ऐसे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं काशी क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय महेश चंद श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आप अंग वस्त्रम और गदा भेंट करके उनका सम्मान करें। और इसी के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज महानगर, गंगा पार और जमुना पार और प्रतापगढ़ के सम्मानित जिलाध्यक्ष लोग से निवेदन करूंगा और हमारे वहां के प्रभारी श्री ओमकार के श्री और नागेंद्र रघुवंशी जी से निवेदन करूंगा, उन्हें सम्मानित करें। और सम्मानित के साथ साथ भाई डॉक्टर संजय निषाद जी, बहन अनुप्रिया पटेल जी भी उन्हें सम्मानित करने का काम करें। धन्यवाद। मित्रों, मैं जानता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आपके सामने होते हैं तो केवल और केवल उनको आप देखना चाहते हैं, केवल और केवल उनको आप सुनना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को देश असीम प्यार करता है और क्यों न करे। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, क्यों न करे। मित्रों, आज उन बहने बेटियां सुरक्षित हैं, क्यों न करे। आज युवाओं के स्वप्न को जो पंख मिल चुका है, ऐसे प्रधानमंत्री जी आज हम सबके बीच में हैं। मैं बहन अनुप्रिया पटेल जी जो केंद्रीय मंत्री है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया स्वागत भाषण करे और आप ही माननीय प्रधानमंत्री जी से उनको दो शब्द, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके संबोधन के लिए उनसे अनुरोध करने का काम करें। बहन अनुप्रिया पटेल जी। हम सभी का परम सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज की इस पवित्र धरती पर आज हम सभी को 130 करोड़ भारतवासियों के हृदय में विराजमान हमारे प्रेरणा पुरुष, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए प्रयासरत और कोरोना महामारी के दौर में अपने कुशल नेतृत्व से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर पूरे विश्व को चकित करने वाले देश के सर्वसमावेशी और संतुलित विकास को नए स्वरूप में परिभाषित करने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहलाए जाने वाले भारत के सिरमौर विराट एवं करिश्माई व्यक्तित्व के धनी, हम सब के अत्यंत लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमें अभिनंदन, वंदन, स्वागत करने का ये अवसर मिला है।
मंच पर विराजमान निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई श्री संजय निषाद जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी के सभी मेरे निष्ठावान, ऊर्जावान एवं कर्मठ कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी साथियों, और आज इतने बड़े विशाल जनसैलाब के रूप में यहां पर उपस्थित इस जनपद की प्रबुद्ध जनता जनार्दन, उत्तर प्रदेश का चुनावी रण अपने चरम पर पहुंच चुका है और लोकतंत्र के महापर्व की इस बेला में आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों जनता और मतदाता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच पाकर अत्यंत आह्लादित और आनंदित है। ये जोश, ये उमंग और ये उत्साह अकारण ही नहीं है मित्रों। एनडीए गठबंधन की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, जिस तरह गत 5 वर्षों में राज्य में विकास की गंगा बहाने का काम किया है, जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया है, विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय की जिस इबारत को लिखने का काम किया है, ये उसी की वजह से आज संभव हुआ है कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों मतदाता और जनता एनडीए गठबंधन को एक बार फिर इस विधानसभा चुनाव में विजय श्री का तिलक लगाने के लिए तत्पर है। हमारे उत्तर प्रदेश के मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में ईवीएम का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी गठबंधन को चारों खाने चित करने के लिए तैयार है। आने वाली 10 तारीख को साथियों प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी परिणाम एनडीए गठबंधन की जीत का डंका बजाने जा रहे हैं और हम सब मिलकर, हम एनडीए गठबंधन वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश और विकासशील उत्तर प्रदेश इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करने जा रहे हैं। आपका जोश और आपका उत्साह देखकर मुझे आपकी व्याकुलता का एहसास हो रहा है, मुझे आपकी बेचैनी का आभास हो रहा है, इसलिए मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके बीच ज्यादा देर बाधा उत्पन्न नहीं करूंगी और मैं सीधे हम सबके मार्गदर्शक, हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे प्रेरणा पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर आग्रह करती हूं कि वे आए और प्रयागराज की जनता पर अपने विचारों की वर्षा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। 3rd Raj प्रयागराज और थेवा कला के लिए प्रसिद्ध प्रतापगढ़ के लोगों को मेरा प्रणाम।
ये भूमि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री निषाद राज की महान मित्रता की साक्षी है। हम निषाद राज के बिना प्रभु राम की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस मिट्टी में अमर क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान का रक्त भी मिला हुआ है। ऐसी महान भूमि और यहां के लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। यूपी के लोग भाजपा को और भाजपा के सहयोगी हमारे इन दोनों साथियों की पार्टी को भी भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का यूपी आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है, बड़े सपने लेकर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार यूपी को विकसित बनाने में दिन रात जुटी हुई है। और साथियों, 21वीं सदी के यूपी की आकांक्षाएं पूरी हो, इसमें नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए सवाल ये भी है कि यूपी में नेतृत्व कैसा होना चाहिए। अब आपने देखा होगा, हम सबको अनुभव है, पूरी दुनिया आज कोरोना की महामारी की चपेट में है। कोई मानव इससे बचा नहीं है। मानवता के ऊपर ये बहुत बड़ा संकट आया है। दोस्तों, अब जगह नहीं है, आप आने की कोशिश मत कीजिए, जहां है वहीं रुक जाइए। आपका प्यार, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, योगी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र के सपूत मेरे परम मित्र केशव प्रसाद मौर्य जी ने यहां दिन रात एक कर दिया। अब आप देखिए, एक तरफ तो योगी जी हैं, केशव प्रसाद है, संजय जी हैं, अनुप्रिया जी हैं, और दूसरी तरफ कैसा नेतृत्व है, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए निर्दोष नागरिकों को गुमराह करे, क्या ऐसे नेता यूपी को चलेगा क्या? ऐसा नेता चलेगा क्या? भाइयों और बहनों, प्रयागराज की प्रतिष्ठा यहां के बुद्धिजीवी लोगों, यहां की संस्कृति, साहित्य
और कला प्रेम से भी है। आप सभी प्रबुद्ध लोग इस बात से तो परिचित है कि बदली विश्व व्यवस्था में भारत का मजबूत होना कितना जरूरी है, और मजबूत भारत सशक्त उत्तर प्रदेश के बिना संभव ही नहीं है। आज जो गौर परिवारवादी आपके पास आकर वोट मांग रहे हैं, वो कभी सशक्त और आधुनिक उत्तर प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग कैसे हैं? ये ऐसे लोग हैं जो अफवाहवादी है, ये ऐसे लोग हैं जो पलायनवादी है, इतना ही नहीं ये ऐसे लोग हैं जो घोर अंधविश्वासी भी हैं। क्या किसी अंधविश्वासी को उत्तर प्रदेश का नौजवान स्वीकार कर सकता है? कर सकता है? ये कैसे लोग हैं, उनका अंधविश्वास कैसा है, कुर्सी न चली जाए इसके लिए ये लोग नोएडा नहीं जाते, बिजनौर नहीं जाते? क्या ये उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं भैया? बिजनौर से जो टैक्स आता है उसमें तो मलाई मारने को तैयार, नोएडा से जो टैक्स आता है उसमें मलाई मारने को तैयार, लेकिन वहां के लोगों को मिलके जाना, उनके सुख दुख पूछना, उसमें अंधविश्वास आड़े आ जाए, क्या ऐसे लोग उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं, आधुनिक उत्तर प्रदेश बना सकते हैं? 21वीं सदी के आधुनिक होते उत्तर प्रदेश को ऐसा नेतृत्व कभी भी मंजूर नहीं हो सकता। ये लोग क्या कभी यूपी के युवा का, यहां के नौजवान का, उनका सोच क्या है, उनका मन क्या है, क्या ये अंधविश्वासी लोग समझ सकते हैं? समझ सकते हैं? आप मुझे बताइए, जिनकी सोच ऐसी हो वो यूपी को आधुनिक बना पाएंगे, यूपी का भला कर पाएंगे, नौजवानों को समझ पाएंगे? भाइयों और बहनों, जब मैं किसी भी पद पर नहीं था और पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था और पार्टी के काम के लिए हिंदुस्तान भर में भ्रमण करता था और मुझे अक्सर प्रयागराज आना होता था, एक तो यहां की यूनिवर्सिटी का गौरव और दूसरा यहां के होनहार छात्र छात्राएं, आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा दोस्तों, और मैं विकास करके लौटाऊंगा। प्रयागराज एक तरह से मेघावी युवाओं का भी संगम है, लेकिन 2017 के पहले की सरकारों ने यहां की प्रतिष्ठा को खूब ठेस पहुंचाई दोस्तों। पूरे प्रदेश, पूरे देश से जो युवा यहां आते हैं उनसे
इन गोर परिवारवादियों ने छल किया है, छल किया है। आप भी जानते हैं कि नौकरी के नाम पर पिछली सरकारों के आयोग में बैठे लोग किस क्वालिफिकेशन को जरूरी मानते थे, इनके लिए योग्यता की अहमियत नहीं बल्कि सिफारिश, जातिवाद, क्षेत्रवाद और नोटों के बंडल, यही सब कुछ था। इन लोगों ने अपने कारोबारियों को आयोगों की जिम्मेदार पदों पर बिठाकर जो खेल खेला, उसने कितनी ही युवाओं की जिंदगियां तबाह कर दी, होनहार युवाओं की। आज ये लोग नौकरी के नाम पर फिर उत्तर प्रदेश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं, धोखा। भाइयों बहनों, सच्चाई ये है कि इन लोगों ने अपने 10 साल के शासन में सिर्फ 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, और वो भी भाई भतीजावाद, जातिवाद, पैसों के बंडल। जबकि योगी जी की सरकार ने अपने 5 साल में, उन्होंने 10 साल में 2 लाख, और योगी जी ने 5 साल में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। और ये नौकरियों में भी सिफारिश का रास्ता नहीं, भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं, जातिवाद का रास्ता नहीं, भाई भतीजेवाद का रास्ता नहीं, पूरी तरह पारदर्शिता के साथ गरीब के बेटे बेटी को भी रोजगार देने का काम किया। साथियों, हमारी सरकार ने युवाओं की दिक्कत को समझना, उनकी परेशानियों को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास किया है। पहले उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस अलग अलग होता था, और इसके कारण क्या होता था, छात्र छात्राएं इन दोनों परीक्षाओं की अलग अलग तैयारी करते थे, उन पर बहुत बोझ बढ़ जाता था, बहुत समय लगता था, धन भी बहुत खर्चा होता था। हमारी सरकार ने आपकी ये परेशानी समझी और अब आज यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस लगभग एक जैसा कर दिया, यानी एक ही मेहनत से, उतनी ही मेहनत से आप दोनों परीक्षा की तैयारी करिए, दोनों परीक्षाएं दीजिए और आप आगे आकर के देश का भविष्य बनाइए। हमारी सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों से जो इंटरव्यू खत्म किया, उसका भी लाभ अनेक युवाओं को मिला है। साथियों, पहले की सरकारों में विकास के नाम का, विकास के काम ना होने की एक और बहुत बड़ी वजह थी जातिवाद और भाई भतीजावाद। परियोजना बनने से लेकर पास होने तक और उसके काम शुरू होने से पहले
ठेकेदारी तक में भाई भतीजावाद, छोटी छोटी ठेकेदारी में, अरे कुंभ जैसे पवित्र काम में भी ये गोरख धंधे इन्होंने किए हुए हैं। गोर परिवादियों के करीबियों को ही ज्यादातर सरकारी परियोजनाओं के ठेके दिए जाते थे। कहीं पानी की पाइपलाइन बिछानी है तो ठेका परिवारवादियों के किसी करीबी को मिलता था, कहीं सीवर लाइन बिछानी है तो ठेका उन्हीं के किसी भाई भतीजे को मिलता था, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता था। तो ये लोग काम भी घटिया क्वालिटी का करते थे, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होती थी, इसलिए ये लोग आधा अधूरा काम करके पूरे के पूरे पैसे लेकर के भाग जाते थे। प्रयागराज ही नहीं, यूपी के मेरे नौजवान मित्रों ध्यान रखिए, यूपी के हर जिले का ऐसा ही हाल है। आधे अधूरे काम छोड़ करके भाग गए और पैसे पूरे लेकर के चले गए। यहां के बाहुबली, यहां के माफिया उनकी मर्जी की सबसे बड़ी सर्वोपरि उनकी मर्जी हुआ करती थी। इस वजह से कहीं अस्पताल अधूरा, कहीं स्कूल अधूरा, उनके ठेकेदार और दलालों की जेब भर गई तो वे संतुष्ट हो जाते थे। योजना का पैसा मिल बांटकर खा लिया जाता था। योगी जी की सरकार में आने के बाद माफिया का क्या हुआ? गए जेल। माफिया का क्या हुआ? माफिया का क्या हुआ? और ठेकेदारी में भी ये जो लोग थे वो भी 5 साल ताले लगा करके बैठ गए हैं, और अगर मौका मिला तो ताला खोद करके वो फिर से ठेकेदारी के लिए आने वाले हैं। क्या ऐसे लोगों को आने देंगे? आने देंगे? माफियाओं को जेल से बाहर आने देंगे? जेल से बाहर आने देंगे? अब पूरी पारदर्शिता के साथ योग्य लोगों को काम दिया जा रहा है, और इन सबसे बड़ा उदाहरण आपने यहां प्रयागराज में कुंभ के दौरान देखा है। योगी जी की सरकार में आप सभी के सहयोग से संपन्न हुए कुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन को दुनिया ने सराहा है। कुंभ के मेले पहले भी होते थे, हर बार होते थे, लेकिन कभी उसकी अच्छाइयों के विषय में दुनिया में चर्चा नहीं होती थी। इस बार जो प्रयागराज ने कुंभ किया, योगी जी और केशव जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने उस पर स्टडी की, यूनेस्को ने हमारे इस कुंभ की परंपरा को विश्व विरासत का दर्जा दिया। भाइयों, क्या प्रयागराज के हर नागरिक को गौरव होता है कि नहीं होता है? उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को गौरव होता है कि नहीं होता है? हर हिंदुस्तानी को गौरव होता है कि नहीं होता है? प्रयागराज में एक कुंभ मेले ने सारी दुनिया की सोच बदल दी। भाइयों, ये काम योगी जी केशव जी की जोड़ी ने करके दिखाया। जिस तरह पहले की सरकारों ने यूपी के नौजवानों को धोखा दिया, वैसे ही प्रयागराज को भी विकास के लिए तरसा कर रखा। जिन्हें प्रयागराज
नाम से ही चीड़ हो। प्रयागराज बोलिए तो इनका कान खड़े हो जाते हैं। प्रयागराज बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए भाई? प्रयागराज बोलने से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? अगर प्रयागराज नहीं बोलोगे तो निषाद राज को भी भूल जाओगे। भाइयों बहनों, जिनको प्रयागराज ये नाम से नफरत हो वो क्या प्रयागराज का विकास करेंगे क्या? आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे क्या? आपकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे क्या? भाइयों बहनों, एक और ये लोग हैं तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और उसके सहयोगी हैं जिन्होंने प्रयागराज के लिए लगातार 5 साल काम किया है। भाइयों और बहनों, भाजपा की डबल इंजन सरकार ने देश की भी और उत्तर प्रदेश की भी राजनीति को एकदम बदल दिया है। इन घोर परिवारवादियों ने इतने दशकों तक संप्रदायवाद की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की, क्षेत्रवाद की राजनीति की। इनकी राजनीति का दायरा संकुचित है, सीमित है, संकीर्ण है। भाजपा की राजनीति का दायरा विस्तृत है, विशाल है, सर्वसमावेशी है। भाइयों बहनों, मुझे अनुप्रिया जी के पिताजी से बहुत पुराना संबंध रहा मेरा। वे सरदार पटेल के अनन्य भक्त थे। सरदार साहब के प्रति उनके मन में बड़ी श्रद्धा थी और वह हमेशा अमूल डेयरी के काम को देखने समझने के लिए आया करते थे। तो जब भी आते थे मुझे भी उनके दर्शन का सौभाग्य मिलता था और हर बार सोनेलाल जी जब भी आए गरीब की बात, पिछड़ों की बात, सबके कल्याण की बात करते थे। भाइयों बहनों, मुझे जब भी हमारे संजय जी से बात करने का मौका मिला, अभी भी वो मुझे समाज के सब वर्गों की भलाई की बात कर रहे थे। भाइयों बहनों, भाजपा की राजनीति का दायरा विस्तृत है, विशाल है और जैसे अभी अनुप्रिया जी बता रही थी, सर्वसमावेशी है। इसलिए चुनाव परिणाम आने के बाद चुनाव आयोग को इन लोगों ने शुरू कर दिया है। मुझे किसी ने मैसेज दिया, बड़ा मजेदार मैसेज दिया। वो यहां की राजनीति को बराबर जानते हैं तो उन्होंने मैसेज दिया कि मुझे लगता था कि जब 5वां चरण पूरा हो जाएगा या 6वां चरण पूरा हो जाएगा इसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार तो इन्होंने 4थे चरण में ही सुबह से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। जो लोग एग्जिट पोल का इंतजार करते हैं ना, मैं उनको कहता हूं एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। ये जैसे ही ईवीएम को गाली दे तो समझ लीजिए कि उनका खेल खत्म। साथियों, ये देश का सौभाग्य रहा है कि हमारे यहां
गंगा जी की सफाई का अभियान सांप्रदायिकता की नजर से नहीं देखा गया। इसमें एक दृष्टि पर्यावरण की भी रही, माना गया कि चलिए पर्यावरण से जुड़ा कोई अच्छा काम हो रहा है। सांप्रदायिकता का रंग नहीं रंगा उसे। वैसे ही अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के निर्माण को लेकर, काशी में हो रहे कार्यों को लेकर, प्रयागराज में हो रहे कामों को लेकर एक दूसरा पक्ष भी मैं आज देश के सामने रखना चाहता हूं, और यह उन लोगों के लिए जानना जरूरी है जो अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, केदारनाथ, बद्रीनाथ यहां हो रहे सब कामों को सांप्रदायिक नजर से देखते हैं। साथियों, अगर मैं कोरोना से पहले की बात करूं तो 2 साल पहले 2019 में मुस्लिमों के पवित्र स्थान मक्का में 2 करोड़ से ज्यादा लोग हज करने लिए, उमरा करने के लिए गए थे। इसी तरह ईसाइयों के पवित्र स्थान वेटिकन सिटी में 2 साल पहले 2019 में करीब करीब 1 करोड़ लोग वहां के चर्च और म्यूजियम को और पोप के दर्शन करने के लिए गए थे। इन देशों ने वहां पर आने वाले भक्तों के लिए बेहतरीन सुविधाएं तैयार की है, आधुनिक व्यवस्थाएं बनाई है, लोगों को वहां पर रहने की दिक्कत ना हो, कनेक्टिविटी की परेशानी ना हो, हर तरफ साफ सफाई हो, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन भारत में अगर हम उसी दिशा में कुछ काम करें, लोगों की सुविधा की चिंता करें, नागरिकों की भलाई के लिए काम करें, तो इनको वो सांप्रदायिक चश्मों से ही देखने की कोशिश करते हैं। आप खुद देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के बाद वहां आने वाले भक्तों की संख्या इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि वहां गरीब से गरीब को अब रोजी रोटी के नए अवसर मिल गए हैं। जो आने वाले लोग हैं उनमें आस्था भी है, और ये नया परिवर्तन आया उसका कौतूहल भी है। बनारस में जो विकास के काम हो रहे हैं वो काशी और इस क्षेत्र की इकोनॉमी को बदलेंगे, और प्रयागराज के लोग तो हर कुछ साल में देखते हैं कि जब कुंभ का आयोजन होता है तो कैसे उसमें आस्था के साथ आजीविका भी जुड़ जाती है, यहां के अनेक लोगों को रोजी रोटी के अवसर खुल जाते हैं। ऐसे ही बद्रीनाथ केदारनाथ में विकास कार्यों के बाद वहां भी आने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। मुझे भी वहां के मुख्यमंत्री बता रहे थे कि कोरोना के पहले केदारनाथ में अब तक जितने लोग आए होंगे प्रतिवर्ष उससे ज्यादा डबल डबल संख्या में लोग आना शुरू हुए, तो पूरे उत्तराखंड की इकोनॉमी चल रही है। भाइयों बहनों, जब भक्तों की संख्या बढ़ती है, यात्रियों की संख्या बढ़ती है, टूरिस्टों की संख्या बढ़ती है, तो रोजी रोटी देती है कि नहीं देती है, रोजी रोटी देती है कि नहीं देती है, गरीब से गरीब को काम मिलता है कि नहीं मिलता है, शहर में टैक्सी चलाने वाला हो उसका भी रोजगार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, रास्ते के किनारे पर जो फूल बेचता है उसके फूल बेचने वाले की भी कमाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, जो छोटी छोटी सराय लेता है काम करता है उसको रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है, जो अच्छी होटल चलाते हैं उसको रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है। भाइयों बहनों,
जब यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो वहां की पूरी रोजी रोटी तेज गति से बढ़ती है। हम जो काम कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान अब उस तरफ आने वाला है और ये सारे स्थान आर्थिक गतिविधि का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। और इसलिए हमारी सरकार कनेक्टिविटी पर बहुत जोर दे रही है और मुझे बताया गया है कि 3 साल के भीतर ही ये जो हमारा प्रयागराज एयरपोर्ट अभी अभी बना और हमें कम समय में बनाया, समय से पहले बना दिया, प्रयागराज एयरपोर्ट में 10 लाख से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही हो चुकी है। भाइयों, लखनऊ और वाराणसी के बाद आज प्रदेश में ये आंकड़ा छूने वाला प्रयागराज हमारा तीसरा एयरपोर्ट बन गया है। साथियों, बात एयरवे कनेक्टिविटी की हो, हाईवे कनेक्टिविटी की हो, वाटरवे कनेक्टिविटी हो या रेलवे कनेक्टिविटी की हो, हम उत्तर प्रदेश के हर हिस्से को जोड़ना चाहते हैं। योगी जी की सरकार इसलिए ही यूपी में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनवा रही है, नए एयरपोर्ट बनवा रही है। इन विकास कार्यों की गति ना रुके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार बननी जरूरी है। और इसलिए आपको बीजेपी को जिताना है, इसलिए आपको अपना दल के हमारे उम्मीदवारों को जिताना है, इसलिए आपको निषाद पार्टी के हमारे उम्मीदवारों को जिताना है। और भूलना नहीं है, पहले मतदान उसके बाद दूसरा काम। साथियों, मुझे बताइए, ऐसा तो नहीं होगा ना, इतनी बड़ी रैली हो गई, संजय जी का मार्गदर्शन मिल गया, अनुप्रिया जी का मार्गदर्शन मिल गया, मोदी जी भी आ गए, अरे अब तो जीत जाएंगे, सो जाओ, अब सो जाओ, ऐसा नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना, घर घर जाओगे, घर घर जाओगे, घर घर जाओगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाओगे, मतदाताओं से मिलोगे? अच्छा, मेरा एक काम करोगे, करोगे पक्का? देखिए, मैं चाहता हूं मेरी तरफ से इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे, उनको कहेंगे मोदी जी ने आपको नमस्ते भेजा है, पक्का कहेंगे? देखिए, आप जब उनको कहेंगे ना कि मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, ये बात जब पहुंचेगी ना, मुझे बहुत आनंद होगा भाइयों, बहुत आनंद होगा। और इसलिए मैं आपसे चाहता हूं, घर घर जाइए, सबको मेरा प्रणाम पहुंचाइए और मेरी तरफ से विनती कीजिए कि इस बार मतदान तो जरूर करना है, भाजपा अपना दल और निषाद पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। सभी उम्मीदवारों से, संजय जी से, अनुप्रिया जी से आग्रह है, जरा आगे आ जाए, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,
श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जय श्री राम, मोदी जी जय श्री राम, 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 और जोर से मोदी जी जय श्री राम, मोदी जी जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हमारे इस प्रयागराज की पावन धरती पर आकर के हम सबको संदेश देने का काम किया, आपका आभार, बहुत बहुत आभार।